हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पैनकेक्स और ये बहुत टेस्टी होने वाले हैं। तो फिर ठीक है, चालू करते हैं। ये भाई हमने गुड़ उबालना रखा है थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, और ये आटा गूंद रहा है। इस आटे को इस गुड़ के पानी से गूंदा जाएगा। अब जो हमने गुड़ को भिगोया था उसको हम थोड़ा मैश कर लेंगे, जिससे ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, जिससे बैटर बनाने में हमें आसानी होगी। अब हम आटे में थोड़ी सी सौंफ डाल लेंगे, जिसकी खुशबू और स्वाद अच्छा आता है पैनकेक्स के अंदर। और ये हमने बना लिया है चाशनी। अब हम इसको आटे में मिक्स करेंगे, जिसका हम पतला सा बैटर बनाएंगे। हम इसको धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे आटे में, और जिससे लम्स नहीं पड़ेंगे। तो ये मिक्स कर रहे हम। जो गुड़ से बनाई चाशनी है उसको हम छान के डालेंगे, क्योंकि कई बार उसमें थोड़े से गुड़ के टुकड़े रह जाते हैं। तो अब हमने इसका अच्छे से बैटर बना लिया है। अब हम डालेंगे तवे पे थोड़ा सरसों का ऑयल। ये तकरीबन सरसों के ऑयल में ही बनाए जाते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा बैटर है जो हमने तैयार किया है, और हम थोड़ा तेल को पकने देंगे शुरू के लिए, जिससे क्या होगा ये तवे पे चिपकेगा नहीं। और ये देखो गाइस, हम शुरू करते हैं ऐसे करछी के साथ इस पे डाल लेंगे, और फिर इसको हाथ से फैलाएंगे थोड़ा सा। मेरी माता जी इसको ऐसे ही बनाती हैं। और ये देखो गाइस, कितना अच्छे से फैल गया है। और अब हम इसको एक साइड से पकने के बाद इसको पलट लेंगे। ये देखो गाइस, कितना अच्छे से पक गया है। वाह, देखने में बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, और खाने में भी उतना स्वादिष्ट बनता है। और आप इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें सरसों के तेल का यूज़ किया जाता है, और गुड़ होने की वजह से तो शुगर का भी इतना इस पर असर नहीं रहता।